गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी जस्ट शावर लेकर आई हूँ मैं, और आज दिन है गुरुवार। वैसे मैं आज के दिन सिर धोती नहीं हूँ, पर आज हुआ क्या है मैं आपको बता दूँ। आज बारिश आ गई थी सुबह 7 बजे खूब तेज से, और बच्चे भी उठ गए थे, और मैं भी खूब आज बारिश में नहाई हूँ, बच्चों को भी नहला दिया है। तो गाइस बहुत मज़ा आया ऊपर आज नहाने में बारिश में, और मैंने वीडियो भी बनाई थी, पर मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है वीडियो वगैरह अपलोड करना ये नहाने की। तो जब कभी मैं उनको मना लूँगी डालने के लिए यूट्यूब पर, तो ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और बच्चे भी नहा चुके हैं, सारे काम हो गए हैं। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ना 1 साल हो गया यार। थोड़ा सा मन कभी कभी बहुत अंदर से डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि यार इतनी मेहनत कर रही हूँ, एक साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल होने जा रहा है, अब तो चैनल मोनेटाइज भी हो गया, अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बस थोड़ा सा हो जाती हूँ कभी कभी। तो बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आगे इस तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। और चलती हूँ नीचे और आप लोगों को बताती हूँ नाश्ते में आज क्या बनना है। देखो मम्मी जी पापा जी क्या बोलते हैं नाश्ता बनाने के लिए। और आज देखो मैंने ये साड़ी पहनी है, ये मेरी बड़ी वाली दीदी ने दी थी, आप बताना कैसी लग रही है। तो आज मैंने ये थोड़ा सा कॉटन है तो इसलिए पहन ली, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर ये भारी भारी साड़ियाँ पहनने का मन नहीं करता। और प्लीज़ 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 आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, काम स्टार्ट कर देती हूँ। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में, रसोई घर में, और आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। मम्मी जी पापा जी ने बोला कि पोहा ही बना लो, वैसे एक पोहा है, पराठा है, और ये बेसन की पकौड़ी वगैरह, यही सब नाश्ते में बनता है। तो आज पोहा खाने का पापा जी मम्मी जी का मन है, तो पोहा बना रही हूँ। तो इस ले लिया है मैंने, और इसको भिगो के रख दूँगी कम से कम 5 मिनट के लिए, पानी भर के रख देना चाहिए, इससे क्या पोहा अच्छा बनता है। वरना आप लोगों ने देखा होगा पोहा बनाते वक्त बिल्कुल अलग अलग रहता है, तो वो इतना टेस्टी नहीं बनता, इतना अच्छा भी नहीं बनता है। और जो रात के धुले हुए बर्तन हैं इनको मैं सारे अभी लगा दूँगी, क्योंकि सुबह मैं पूजा पाठ वगैरह में लग जाती हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिलता मुझे किचन में आने का, तभी आती हूँ जब नाश्ता बनाना होता है सुबह, और उससे पहले मैं नहीं आती हूँ, बस पूजा के बर्तन वगैरह साफ़ करने आ जाती हूँ। तो सारे बर्तन अभी मैंने लगा दिए हैं, अब मैं पोहा बनाने की तैयारी करती हूँ। प्याज वगैरह हरी मिर्च काट लेती हूँ, आज कुछ ज़्यादा नहीं है डालने के लिए, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा सब्जियाँ भी अभी नहीं आ रही हैं। प्याज वगैरह तब तक भुंज रहा है, तब तक मैं इसमें सारे मसाले डाल लेती हूँ। तो थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी, सब लोग जो डालते हैं वही नॉर्मल डाल रही हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च, पर यहाँ पे क्या MP साइड में थोड़ी सी शक्कर भी डाली जाती है पोहा में, बल्कि हमारे UP साइड में नहीं डालते हैं, यहाँ खट्टा मीठा ये खाते हैं ये लोग। और अभी इसमें नींबू वगैरह भी डाल दूँगी, और शक्कर भी डाल दी है, नमक डाल दिया है, सारी चीज़ें, तो आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग भी आइए। तो फ्रेंड्स एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है और हमारा पोहा भी तैयार हो गया है, आइए आप लोग भी नाश्ता करिए। मेरे यहाँ पे पोहा बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है, और सबको मैंने नाश्ता करा दिया है, मम्मी जी पापा जी को, और इन्होंने भी कर लिया है, बच्चों ने भी कर लिया, बच्चों को ट्यूशन भेज दिया है। अब मैं बैठी हूँ इनके साथ में, थोड़ा सा शांति से सुकून से, मैं आई देखा तो इन्होंने पूरा फैला कर रखा था, और चाय ऊपर ही लेके आ गई हूँ,
और इनका कुछ ना सामान नहीं मिल रहा था, कोई कागज़ नहीं मिल रहा था, तो ये फैला के बैठे हैं। अब इन्होंने फैला तो दिया सब कुछ, मुझे ही अब ठीक करना पड़ेगा, अभी ऐसे ही ड्यूटी के लिए निकल जाएंगे। तो वो मुझे याद आ गया था, मैंने दूसरी अलमारी में इनका कोई कागज़ रख दिया था। और दिन भर की क्या बातें, दिन भर जो बातें होती हैं, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, फ्यूचर प्लानिंग, वही हम लोग यहाँ बैठ के आगे बातें कर रहे हैं। ये चले गए हैं ड्यूटी, तो इनकी थोड़ी सी अलमारी मैं ठीक कर रही हूँ, थोड़े कपड़े हैं जो इनके सिस्टमेटिक कर रही हूँ, और इनके जो सामान है, जो कागज, ये देखो कैसे फैला के गए। मुझे ना संतुष्टि नहीं मिलती मेरे मन को, मतलब एक होता ना कि संतुष्ट हो जाऊँ अगर ये सामान रख के गए, तो वो मुझे होता नहीं। तो वापस से मैं सब कुछ ठीक रखती हूँ, तो वापस से मैं निकाल के सब कुछ ठीक ठाक कर रही हूँ। तो गाइस, मुझे लगता है कि आप लोग भी शायद ऐसे ही करते होंगे, जो भी गृहिणी मेरी ये वीडियो देख रही है, हाउसवाइफ मेरी वीडियो देख रही है, क्योंकि मुझे भी ऐसे संतुष्ट नहीं होती कोई भी कैसे भी सामान रख दे। तो अभी ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और ये साड़ी ना थोड़ी सी कॉटन की मोटी है, ब्रास का कुछ कपड़ा है, प्योर कॉटन नहीं है, तो इसमें ना थोड़ी गर्मी लग रही थी, तो मैंने अपने बाल ऊपर बांध लिए, बाल भी सूख गए हैं। और बस अब जो ये सामान फैला पड़ा है, इनको भी थोड़ा सेट कर देती हूँ। गद्दे मैंने ऊपर डलवाए हैं, क्योंकि नायशा टॉयलेट कर देती है ना, तो स्मेल वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, तो इसकी वजह से गद्दे मैंने ऊपर डलवाए हैं। फिर दोपहर में जब मैं इनको नीचे ला तो भी मुझे स्मेल लगती है, तो मैंने गद्दे के कवर वगैरह सब उतार के धुले हैं, और बहुत ज़्यादा काम बढ़ा देती है। अब मैं इसका ना कुछ अलग से इंतज़ाम करूँगी नायशा का। और अभी मैं सोच रही थी डॉक्टर को दिखाने के लिए भी, पर अभी आजकल कोई डॉक्टर मिल नहीं रहा है और देख भी नहीं रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कोरोना की वजह से डर भी लग रहा है, तो इसलिए अभी उसको नहीं दिखाऊंगी, घर में ही कुछ इलाज करूंगी। देखो, और ये कपड़े रखे हैं, ये भी सारे मैं अभी जमा दूंगी अलमीरा में। तो गाइस, अभी आ गई हूँ मैं छत पर, आप लोग देख सकते हैं आधी छत गीली है, तो सुबह खूब अच्छी झमझमा के बारिश हुई थी। और ये गद्दे मैंने ऊपर डलवाए थे इनसे, तो मैं इधर कर देती हूँ, इनमें ना बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। और फिर इसके बाद ना ये गद्दे जब नीचे लेके जाते हैं दोपहर में, तो उस टाइम भी मुझे स्मेल लगती है, तो ये खोल इन पर चढ़े हैं ना, ये भी मैं उतार देती हूँ, क्योंकि ना इनमें भी स्मेल आ रही थी। तो फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था, खोल वगैरह सब धोए मैंने, और उसको कुछ ना कुछ अब मैं दवाई वगैरह दूंगी, देखो मेडिकल से लेके आऊँगी, क्योंकि ना अच्छा नहीं होता बच्चा अगर इतनी टॉयलेट करे बिस्तर पे, तो अच्छा नहीं होता। तो अभी मम्मी जी के कपड़े डाल दिए हैं, अब बस मैं अपने इनके सबके डाल रही हूँ। और धूप ना बहुत, बारिश के बाद जो धूप आती ना, बहुत ख़राब वाली धूप आती है, इतनी तेज़ धूप थी। और अभी सारे कपड़े वगैरह सुखा के फिर लंच की तैयारी करूँगी मैं, और आज आप लोगों के साथ में कुछ अलग सी डिश शेयर करूँगी, जो शायद आपने पहले नहीं खाई होगी, तो आज कुछ नया ट्राई करने जा रही हूँ मैं। तो ये लिया है मैंने सबसे पहले, अब शुरू में मैं नहीं बताऊँगी वरना सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। मैंने ये बेसन लिया है, बेसन मैंने एक कटोरी लिया है, और इसमें पानी डाल के आपको ज़्यादा, मतलब बिल्कुल पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, बिल्कुल मीडियम, जैसे हम चीला बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसका घोल बनाना है। और इसमें जो भी आप मिलाना चाहते हैं सारे मसाले डाल दीजिए, थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च है, नमक है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर है, सारे मसाले गरम मसाले वगैरह मैंने इसमें डाल दिए हैं, और आगे का प्रोसेस आप लोग देखते जाइए, तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे।
आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों को बता देती हूँ, चीला की एक डिश है जो कि बहुत अच्छी बनती है। जैसे हम बेसन की बहुत तरीके से बनाते हैं पर आप लोगों ने इस तरीके से कभी नहीं बनाया होगा, तो वो ही मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से बेसन का हम चीला बना लेंगे, उसके ऊपर हरी मिर्च प्याज वगैरह सारी चीज़ें डाल देंगे और अच्छे से धीरे धीरे सिकने देंगे। उसको बिल्कुल भी हमें इस तरीके से नहीं सेकना है जैसे हम चीला बनाते हैं, बिल्कुल कड़क और क्रिस्पी नहीं करना है, थोड़ा उसको नरमी रखना है जिससे वो अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो इस तरीके से हम दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे, हम इसको अलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे, बिल्कुल क्रिस्पी नहीं सेकना है। और इस तरीके से फोल्ड कर करके हम एक साइड में रखते जाएंगे। तो एक हमारा सेक चुका है, मैंने यहाँ पे 3 चीले बनाए थे और हरी मिर्च और हरा धनिया डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, आपको जो चीज़ डालनी है वो डाल सकते हैं। और इस तरीके से मैं अब इसको भी एक पलट दूंगी और अच्छे से प्रेस कर करके दबा दबा के हमें इसको सेक लेना है। और बिल्कुल भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको क्रिस्पी बिल्कुल नहीं करना है जैसे हम चीला बनाते हैं, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट रखना है। गाइस हमारे यहाँ पे चीले बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ। तो कढ़ाई मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जैसा आपको इच्छा हो, जैसा आप खाते हो। तो यहाँ पे मैंने राई जीरा का यहाँ पे छौंक लगा दूंगी और यहाँ पे मैंने थोड़ी सारी प्रिपरेशन पहले से ही करके रख ली थी। यहाँ पे प्याज जो लहसुन और अदरक और प्याज का पेस्ट बना के रख लिया है। आपको प्याज काट के नहीं डालना है, आपको बिल्कुल मिक्सर में अच्छे से पीस लेना है। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और प्याज को भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम 15 मिनट तो लगते ही हैं। तो प्याज भी हमारा यहाँ पे भुन गया है, जो कि वीडियो मैंने 2 की स्पीड पे कर दी है तो इसलिए आप लोगों को बहुत जल्दी दिख रहा होगा। तो प्याज और ये जो पेस्ट है टमाटर का, इसको पकने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं और बिल्कुल मीडियम बिल्कुल मध्यम आँच पर ही हमें इसको रख के अच्छे इसको पकाना है। और इसमें मैं अब सारे मसाले ऐड कर देती हूँ। इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और लाल मिर्च का पेस्ट डालूंगी, क्योंकि हरी मिर्च मैंने पहले ही ऑलरेडी डाल दी है। तो थोड़ा सा तीखानेस कम ही रखूंगी और नमक डाल दिया है, मुझे थोड़ा सा नमक ज़्यादा लगा था तो मैंने पहले ऊपर से हल्का सा निकाल दिया था। और हम कम से कम इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे ढक के इसी तरीके से। और तब तक मैं अपने चीले आप लोगों को दिखाती हूँ कि इनको किस तरीके से कट करके हमें इसको बनाना है। और यहाँ पे हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई थी और फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया है, जितना आपको पसंद है, जितनी आपको उसकी कंसिस्टेंसी पसंद है उसी तरीके से आप उसमें पानी डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा चीला भी बिल्कुल बनकर तैयार है और बस अब इसको मैं कट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से भी कट कर सकते हैं पर मुझे इस तरीके से इसके पीसेस बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं इस तरीके से काट रही हूँ। अगर आपको कुछ बड़े लगते हैं तो आप इसको छोटे भी काट सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके की डिश आपने पहले कभी नहीं खाई होगी तो इस तरीके से बना के देखना, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगती है। मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करती हूँ आज। तो गाइस यहाँ पे कुछ पीसेस मुझे थोड़े से बड़े लग रहे थे तो उनको मैं छोटा कर रही हूँ और कुछ को मैं ऐसे ही रहने दूंगी। तो गाइस यहाँ पे हमारी ग्रेवी है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। तो अब मैं इसमें ये सारे जो पीसेस हैं वो डाल दूंगी और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये सब्जी कैसी लगी। बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनती है तो आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करना इस तरीके से। तो सारे पीसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं और कम से कम मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही सिम आँच पे इसको रख दूंगी और हरा धनिया इसमें डाल दूंगी जिससे कि हरे धनिया से फ्लेवर और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। और आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को और नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।